वो देश की बेटी है, देश के लिए खेल रही थी, वो स्वर्ण पदक जीतने वाली थी, तो दुख पूरे देश को। हमने ये भी कहा था बिहार की बेटी छट के चली आती है, उसमें श्रेयसी सिंह ये जो ओलंपिक छट के आई। आप हमारा वीडियो देखिए, हम जो कुछ बोल रहे हैं, कैसे उसको तोड़ मरोड़ के काट करके न्यूज बनाया है, तो मनसा साफ है कि गरीब गुरबा के बच्चा को बदनाम कर दो। मजदूरी करता है, एक MLA का बेटा मंत्री हो गया, उसका बाप का बेटा मजदूरी कर रहा है, चैनल से माध्यम से उसको कहना चाहते, जिला परिषद से लेकर ये दूसरा बार हम विधायक हैं, और उस चैनल वाला को जो चला रहा है उसको हम पूछना चाहते हैं, जरा खंगार करके देख लो, पता लगाओ हमारे जिंदगी के बारे में। इस तरह से बोलना कौन है क्या है, तो ये प्रताड़ित करना। बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल किया जा रहा है। मीडिया वालों ने ये सवाल किया था कि विनेश फोगाट जिस प्रकार से डिस्क्वालीफाई हो गई है, उस पर आप क्या कहेंगे? मेहता जी ने जवाब दिया, फिर उसको मैनुपलेट करके लगातार तमाम TV अखबार वाले चैनल चला रहे हैं और डिफेम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कौन है सुरेंद्र मेहता जी, ऐसा प्रयास क्यों किया जा रहा है, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, क्या प्रकरण हुआ था बातचीत करेंगे। खुद सुरेंद्र मेहता जी हमारे साथ में होंगे, सर स्वागत है आपका। और एक क्लिप चल रहा है, उसको ट्रोल किया जा रहा है कि विनेश फोगाट को आप नहीं जानते हैं। सर देखिए, हमसे जो पूछा गया उसमें हम जवाब दिए थे, और विनेश फोगाट के सवाल पर हमने दुख जताया, इसलिए कि वो देश की बेटी है, देश के लिए खेल रही थी, वो स्वर्ण पदक जीतने वाली थी, तो दुख पूरे देश को। हम लोग भी दुख व्यक्त किए थे, उस दिन भी कहे थे कि दुख की बात है, जिस वजह से वो छटी है भारत के लिए दुख का विषय है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, जिस चैनल के लोग चला रहे हैं, हमने ये भी कहा था कि बिहार की बेटी छट के चली आती है दुख, उसमें श्रेयसी सिंह जो ओलंपिक छट के आई थी, हमारा कहना यही था। लेकिन देखिए, उनको निगेटिव छापना था, निगेटिव चलाना था उस चैनल पर, निगेटिव उनको चलाना था, बड़ा सुनियोजित ढंग से रणनीति के तहत वो चला दिए, उस पर चल रहा है, तो ये भी दुख का विषय है, इस तरह से चला रहे थे। क्लियर है कि हमने बिहार छट के आया, इस सवाल पर हम बोल रहे थे, और उसमें खास करके हमारा इशारा था श्रेयसी जी पर, तो जिस तरह से वो चला रहे हैं तो उसका क्या कहा जा सकता है। लेकिन एक चीज जरूर है कि हम लोग को यही लगता है कि गरीब गुरबा का बाल बच्चा जब कहीं कनिसा ऊपर आगे बढ़ता है ना, कदम आगे बढ़ता है, तो हम लोग को पछता नहीं है, बर्दाश्त नहीं होता। हमको लगता है इसी तरह से इस साजिश के तहत बेचारे चला रहे हैं, मुबारक हो उनको, लेकिन बदनाम करना चाह रहे हैं। देखो, बदनाम बस ये कहे ना, सुनियोजित रणनीति के तहत उन्होंने ऐसा किया है, और उसको तोड़ मरोड़ करके एक नया न्यूज बना करके बोल रहे हैं कि पता नहीं है कहाँ की है विनेश फोगाट, ये भी बोल रहे हैं कि भाव भंगिमा उनको उनका देखिए, मुस्कुराते हुए दुख जता रहे हैं, इस तरह की जो है खबरें चल रही है खूब। देखिए, कहे ना, उनको निगेटिव चलाना था, अपना जोर जार के अपना चला रहे हैं, लेकिन हमारा जो मनसा था हमने स्पष्ट किया, आपको भी अभी कह रहे हैं कि बिहार की बेटी श्रेयसी सिंह छट के वहाँ से आई है, तो ये दुख का विषय है। हम तो यही चाहते थे वो जब गई है वहाँ से मेडल लाए, विजेता बन के आए, मेडल लेके आए, यही हम चाह रहे थे। और सब का समझता, पूरे बिहार के लोगों का ये समझता, पूरे देश के लोगों का समझता, तो ये दुख दुख जता रहे थे, और उसको वो तोड़ मरोड़ करके, उनका कुंटा करके, वो जानबूझ करके कैसे इनको बदनाम कर दें, मैंने आश्चर्य होता। क्या बोले वो कहे कि जे इनको पते नहीं है, ज्ञान वाला बात ही बोल दिया, ज्ञान वाला बात। तो हमको लगता है कि पूरे हिंदुस्तान को उस चैनल जो चलाया है उससे सीखना चाहिए। अब तो पूरे प्रकांड पंडित और ज्ञान वाले, सूझबूझ वाले व्यक्ति को आदमी वही हैं, उन्हीं से सूझबूझ लेना चाहिए, उन्हीं से अब सीखना चाहिए, और सब लोग तो बेकूफे। अभी सर सबसे अधिक सर्च किया जा रहा है गूगल पे, कौन है सुरेंद्र मेहता, कौन है बिहार के खेल मंत्री, कौन है, कैसे पॉलिटिक्स में आए, कहाँ कहाँ कैसे कैसे राजनीति में आए, क्या लीगेसी है, प्रिविलेज है, थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए सर। देखिए, जहाँ तक हमारा समाज, हम शुरू के दौर में गरीब गुरबा किसान की लड़ाई इस इलाके में लड़ रहे, बराबर लड़ने का काम किया, हमारी हमारा जिंदगी, राजनीतिक जिंदगी वामपंथ से शुरू होता है,
2005 में हम जिला परिषद के सदस्य, हमारे क्षेत्र के लोगों ने चुना, हम जिला परिषद में हमारा क्या रहा, क्या किए, वो अभी भी देखने की चीज़ है। 2001 से लेके हम 5 तक जिला परिषद रहे हैं, और जो हमारा काम है, जो हमने किया, वो आज तक अमिट छाप है जिला परिषद के क्षेत्र में। उसके बाद 2010 में बेगूसराय के विधायक हैं, बेगूसराय के विधायक की हैसियत से वहाँ के लोगों ने हमको जनप्रतिनिधि चुना, एक जनप्रतिनिधि की हैसियत से हमको क्या करना चाहिए वो बेगूसराय की जनता बताई। बेगूसराय की जनता बखूबी जानती है कि सुरेंद्र मेहता जो यहाँ 5 साल हमारे जनप्रतिनिधि रहे, उनका क्या कार्यकाल रहा। और अभी हम यहाँ बछवारा से विधायक हुए, पार्टी ने यहाँ से लड़ाया, यहाँ की जनता ने हमको लार पार यार दिया, हम यहाँ से चुनाव जीते, और जीतने के बाद तब हम क्या कर रहे हैं ये बछवारा की जनता बताएगी। आपका सोशल साइट्स में चेक कर रहा था, लगातार ताबड़तोड़ आप निरीक्षण कर रहे हैं नए स्टेडियम को बनाने को लेके, और ये भी समझने का प्रयास किया कि क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, शानदार दिखा, कोई दाग नहीं है, कोई आरोप नहीं है 20 साल की राजनीति करने करियर में आपके ऊपर। देखिए, अब अपने से हम नहीं कह सकते हैं कि हम ये क्या वह किया फलना चिया, लेकिन हमारे हम क्या हैं, जिला परिषद से लेकर ये दूसरा बार हम विधायक हैं, और उस चैनल वाला को जो चला रहा है उसको हम पूछना चाहते हैं, जरा खंगार करके देख लो, पता लगाओ हमारे जिंदगी के बारे में, और हम 2 बार जनप्रतिनिधि रहे हैं, हमारे बारे में तो पता लगा लो, पब्लिक डोमेन का चीज़ है, पब्लिक के अंदर सब कुछ है, उनको पता लग जाएगा कि हम कहाँ थे, कहाँ हैं, कल क्या थे, आज क्या है, वो आपको पता लग जाएगा। इस तरह से बोलना कौन है क्या है, तो ये प्रताड़ित करना गरीब गुरबा के बाल बच्चा को, उससे जो चीढ़ लग जब लोग को हो जाता है ना, उससे जो चीढ़ हो जाता है, तो इसी तरह का स्थिति बनता है। आपका जो है चेहरा बेदाग रहा है, उसको धूमिल करने का प्रयास, क्योंकि कहीं कोई घुसखोर, क्योंकि नेता लोग बनते हैं तो कहता है ठेकेदारी, इधर उधर से पैसे वैसे बहुत कमा लेते हैं लोग, लेकिन आप मंत्री बने, हर चीज़ बने, कोई दाग नहीं है, कोई अनर, आप जान लीजिए। बेगूसराय से हम जब विधायक बने थे, तब भी हमने बेगूसराय की जनता से कहा था, इस गरीब के बेटा को आप गला लगाइए, और ये गरीब का बेटा एक जनपद आपका सेवक बनकर रहेगा, और इस क्रम में, इस दौरान कोई भी लोग आपको ये नहीं कह सकता है कि आपका जनप्रतिनिधि बेईमान हो गया, गड़बड़ हो गया, यह हुआ वह हुआ, ये किसका शिकायत हम कभी नहीं देंगे, हमने बखूबी पालन करने का काम किया। हम बछवारा जब आए तो बछवारा में भी हम लोगों से कहा था कि आप गला लगाइए, लोग कह रहा था बारी है बारी है, लेकिन हमें कहा आप गला लगा के देखिए, और हम आपके चौकट पर हाजिरी देने का काम करेंगे, आज दे रहे हैं। 10 बजे से लेकर के 11 बजे 12 बजे रात तक अपने क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ की जनता देखती है, और इतना ही नहीं, 10 दिन में एक दिन पटना जाते थे, और कमेटी की बैठक से होकर के हम चले आते थे, फिर 9 दिन तक सुरेंद्र मेहता बेगूसराय हो या बछवारा हो, अपने क्षेत्र में जनता के साथ रहा करता था, आज भी रह रहे हैं। इसलिए वैसे व्यक्ति को सोचना चाहिए, क्या मनसा रहे होगी, क्या लगता है आपको? मनसा तो स्पष्ट है, आप हमारा वीडियो देखिए, हम जो कुछ बोल रहे हैं, कैसे उसको तोड़ मरोड़ के काट करके न्यूज बनाया है, तो मनसा साफ है कि गरीब गुरबा के बच्चा को बदनाम कर दो। जान लीजिए, हम खुले तौर पर आपके चैनल के माध्यम से इसको कहना चाहते हैं कि आज की तारीख में हमारा एक बेटा सिपाही है जी, एक बेटा सिपाही है, एक बेटा हमारा मजदूरी करता है मक्खनशाला में, एक ठेकेदार के अंदर मजदूरी करता है, एक MLA का बेटा मंत्री हो गया, उसका बाप, उसका बेटा मजदूरी कर रहा है, इस चैनल से माध्यम से उसको कहना चाहते हैं। और इस दौरान 2 बार MLA हुए, अरे मुखिया हो जाता है बेचारा कुछ कुछ कर, 2 बार MLA रहा हमारे पास, क्या है उनको कहिए, वो सरकार के वो माध्यम, सरकारी मिशनरी के माध्यम से उसको पता लग जाएगा, कितना 10-15 कट्ठा जमीन होगा मुश्किल, वो घर है, घर घर बेच के घर बनाया, आज के तारीख में भी चलिए उस चैनल वाला को जरा बुला लीजिए, और कहिए चलने के लिए हमारे पुराने घर पर, आज के तारीख में वो घर पर एक सहनी समाज, बिंद समाज के लोगों को हमने घर दिया है 15 लाख में, वहाँ बेच करके तब घर बनाया, हमारे पास है क्या? हम खुली किताब हैं, हम कोरा कागज हैं, और ऐसे व्यक्ति पर
ऐसे ऐसे लोग कुछ कुछ कीचड़ कीचड़ जब बराबर उछालता रहता है, जैसे व्यक्ति से बुझता है कि कुछ होने वाला है नहीं, फकीर अपने फकीर है, तो इस फकीर पर इस तरह से चोट करना, इस तरह से उस पर निगाह रखना, इस तरह से उसको बदनाम करने की रणनीति बनाना, तो हम तो कहेंगे चैनल का भी दुर्भाग है। कुछ नोटिस भेजेंगे मानहानि का, या फिर छोड़ देंगे, माफ कर देंगे, क्या लगता है? हम किसी पर अनहानि मनहानि मुकदमा करने के नहीं है, हम इसमें विश्वास ही नहीं करते हैं। हम इतने जानते हैं, हम जनता के अदालत वाले लोग हैं, हम जनता के बीच में हैं, जनता उसका जवाब दे देती है। जनता को फैसला कर देना है कि ऐसे लोग जो हम जैसे लोग पर कीचड़ उछालने का काम करता है, उसका जवाब जनता है। क्या हम लोग उसके उसके बारे में सोचेंगे, क्या क्या मतलब है इससे? लेकिन हम इतना उन पर ये दुख जरूर है कि आपने इस तरह से जो किया, बना एक न्यूज चैनल बना करके जो आपने चोट किया हम जैसे फकीर पर, तो बड़ा दुख का विषय है। हम तो राजकिशोर बाबू जो विकास विद्यालय के संरक्षक हैं, कार्यक्रम वहीं एक कार्यक्रम था खेल का, उसी में गए हुए थे, उसी में लिए थे, मैंने हमसे बाइक ले रहे थे, और उसी क्रम में अब राजकिशोर बाबू से जो समय आया है आप लोग जानबे करते हैं, लिफाफा तो ये सब स्थिति था। खैर उनका काम है, हमको उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, हमको किसी मीडिया पर किसी चैनल पर प्रतिक्रिया नहीं है, काम करने हाँ हम लोग को अपना काम में विश्वास है। हम लोग कहीं से किसी के बारे में टीका टिप्पणी फलना चलना काम में विश्वास करते हैं, दिन रात काम में लगे रहते हैं। हम बताते हैं अभी सुरेंद्र मेहता विधायक बना 2010 से लेके 15 तक रहा, पता लगा लीजिए हमारा बाल बच्चा कभी उस फ्लैट की तरफ नजर उठा के नहीं देखा, हमारे परिवार का कोई लोग कभी उस फ्लैट में नहीं गया, हमारा दो को बेटा था वो फ्लैट देखबे नहीं किया। आज हमारा जो फ्लैट है जो 4 साल रहे हैं एमएलए वाला में, आज चले गए मंत्री वाला में, हमारे बेटा को पूछे तुम्हारे बाप का फ्लैट कहाँ है, तो उसको कोई मतलब पते नहीं, कोई मतलब नहीं है हमको, हम हमारे राजनीतिक जीवन से बच्चा को कोई मतलब नहीं है। हम बच्चा बाल बच्चा को भी समझाते हैं, बेटा ये जो कुछ है ये जनता का है, जिसने हमको जिता करके भेजा है उसका है, ये फ्लैट जो है उसी का बाल बच्चा वहाँ रह करके पढ़ता उड़ता है, चल कुछ लड़का पढ़ता उड़ता है, हाँ बीमार है अपना गया रहा, हम गए आए, हमको जिंदगी में हमारे बाल बच्चा को भी अपेक्षा उम्मीद नहीं, और हमको भी सच कोई अपेक्षा उम्मीद नहीं कि हम ये हो जाए वो हो जाए, इसे कहीं कोई बात नहीं। हम ईमानदारी पूर्वक जनता की सेवा में लगे हुए हैं, और ईमानदारी पूर्वक आपको बताते हैं कि बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में विकास के सवाल पर जी नहीं 10-12 रोड अब मत मात्र बचा हुआ है, बात सब रोड बन गया, हमारा सब रोड बन गया। दूसरा बात कहना चाहेंगे 3-4 हॉस्पिटल बन रहा है, मंसूर चक्र बड़ा हॉस्पिटल बना, और 4 हॉस्पिटल जो एक ठो मानोपुर में, एक चिरंजीवीपुर में, एक कविया में, तो इस तरह से बनाए जा रहे हैं, और हम बखूबी जान लीजिए हम बराबर देखने के लिए जरूर जाते हैं, देखने अच्छा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ गुणवत्तापूर्ण काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम बराबर उसको देखने के लिए जाते हैं। गड़बड़ाता है तो संबंधित पदाधिकारी की यहाँ शिकायत करते हैं, कहते हैं इसको ठीक ठाक करवाओ, तो हमारा जो काम है जनता के लिए, जनता के लिए कर रहे हैं। कल भी हम ये बछवाड़ा प्रखंड के दियारा क्षेत्र में थे, बाढ़ का निरीक्षण कर रहे थे, काफ़ी घूमे देखे, और वहाँ के लोगों से आश्वस्त किया कि सरकार तुम्हारे लिए मुस्तैद है, सरकार तुमको किसी तरह की कोई दिक्कत होने के लिए नहीं देगा, तो हमारा जो धर्म है काम है वो कर रहे हैं। और चैनल स्टेडियम भी आप निरीक्षण कर रहे थे, क्या कुछ प्लानिंग है आगे खेल मंत्री? देखिए अभी जिस जिला जाते हैं इस काम से, सरकार के काम से हो या व्यक्तिगत काम से हो, तो वहाँ जो बन रहा है स्टेडियम, जहानाबाद गए जहानाबाद में देखे, हाँ उसके बाद हम बांका गए तो बांका में देखे, बेगूसराय में कई एक स्टेडियम का निरीक्षण किए हैं, इस बराबर देखना हमारा काम है, गुणवत्तापूर्ण काम कैसे हो उसको देखना, कुछ गड़बड़ी है तो संबंधित विभाग से जाकर शिकायत भी करते हैं, कहते हैं इसको ठीक ठाक करो, तो हमारा जो काम है वो कर रहे हैं। मोइनुल हक स्टेडियम के लिए भी आपने एक मैसिव इनिशिएटिव लिया है, उसके जीर्णोद्धार के लिए क्या प्लानिंग है? मोइनुल हक स्टेडियम के सवाल पर खेल विभाग, खेल संघ के जो खेल संघ है, सभी खेल संघ के लोग आए थे पटना में,
उन्होंने बताया था कि यहाँ हमको खेलने के लिए बच्चे लोगों को अलाउ नहीं करता है, नहीं करता है। हम देखने के लिए उसी वक्त चले गए, संघ की बैठक समाप्त हुई हम चले गए देखने के लिए, लेकिन हमने देखा कि मोइनुल हक स्टेडियम 1960 में बना, पूरा उसका छत जो है चरक गया है चारों तरफ, लोहा को छोड़ दिया है, अगर किसी कारण कहीं गिर गया, गिरता है बड़ा बराबर गिरता उड़ता रहता है, देखें गिरा उगरा वो, अगर गिर जाएगा किसी के माथे पर मर जाएगा तो बदनाम सरकार को, इसलिए सरकार का निर्णय है कि इसमें खतरा होगा, परेशानी होगा, बंद किया गया, ऐसा हो सकता है इसको बंद कर दिया गया है, और वो स्टेडियम अब तोड़ के नया बनाने की आवश्यकता है, सरकार इस तरफ मन बनाए हुए है, इसको हम बनाएं और नीति माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, बड़े बड़े स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, देखिए राजगीर में बन रहा है, इसी तरह मई पंचायत में भी तो, और एकदम बिहार सरकार ने फैसला ले लिया जी, बिहार सरकार ने फैसला ले लिया कि हम हर पंचायत में खेल का मैदान बनाएंगे, हर पंचायत में स्पोर्ट्स क्लब का निर्माण करेंगे और बच्चे लोगों को खेलने से संबंधित जो साधन है उसका मुहैया करेंगे, किसी कारणवश अगर किसी पंचायत में अगर जमीन उपलब्ध नहीं हुआ खेल के मैदान के लिए तो सरकार जमीन का अधिग्रहण करेगी और सरकार खेल का मैदान बनाएगी, सरकार का बहुत बड़ा फैसला है, और चारों तरफ पूरे बिहार के अंदर गरीब गुरबा छात्र नौजवान सब में एक नया उत्साह आया है, सब लोग काफ़ी सरकार के इस बड़े फैसले का सराहना कर रहे हैं कि अब वो दिन दूर हो गया, अब हमारे बच्चों को खेलने के लिए हर पंचायत में जगह मिलेगा, हमारा बच्चा खेलेगा आगे बढ़ेगा, और तो जान रहे हैं नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने नारा दिया खेलो इंडिया का गठन करके नारा दिया, मेडल लाओ नौकरी पाओ, बच्चों में काफ़ी उत्साह जगा है, लड़का लोग काफ़ी मुस्तैदी के साथ खेल रहा है, खेल के क्षेत्र में मोदी जी के द्वारा काफ़ी विकास के कार्य हो रहे हैं, खेल क्षेत्र को बढ़ावा मिल रहा है, खेल क्षेत्र को वो आगे बढ़ा रहे हैं, और उसी तरह से बिहार की सरकार भी जो निर्णय लिया है वो काबिल तारीफ है, और बिहार के बच्चों को खेलने का जगह अब हर पंचायत में ही मिलेगा, सारा साधन मुहैया सरकार पंचायत में ही। चलिए धन्यवाद सर, आपने वक्त निकाला, आप कल्पना कीजिए बिहार सरकार में खेल मंत्री हैं, शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और कोई दाग नहीं है, किसी तरह का आरोप नहीं है, शानदार जीरो से उठ के यहाँ तक पहुँचे हैं, काफ़ी गरीबी से निकले हैं, कोई लिगेसी नहीं है कि प्रिविलेज मिला हो नेता से, नेता के फैमिली से हो, तो किस प्रकार से जो जातिवादी मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम की जो गोदी मीडिया जिसे कहते हैं, अब यदि आप उस मीडिया को मोदी जी का मीडिया कहते हैं बीजेपी के, तो आप गलत फहमी में है, एक्चुअल में वो मीडिया जातिवादी है, कास्टिस्ट है, अपने जात के हिसाब से जात देख के लोगों को टारगेट करके बदनाम करने का प्रयास करता है, ऐसे मंत्री तो जीरो से उठ के यहाँ तक पहुँचे हैं, उनको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है उसी गोदी मीडिया जिसे आप कहते हैं उसके द्वारा, जो आप गलत कहते हैं एक्चुअल में वो जातिवादी मीडिया है, अपने जात के हिसाब से लोगों को प्रिविलेज देता है और जात के हिसाब से लोगों को टारगेट करता है। पूरी बातचीत पे प्रतिनिधि जी रवि मेहता, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।